तो आज मैं वो अंबरनाथ वेस्ट में, लोकेशन जो है हार्डली 2 किलोमीटर आता है स्टेशन से। ये रहा अपना एंट्रेंस गेट, जो बैक साइड वाला एंट्रेंस गेट है, और यहाँ से आपका फ्रंट एंट्रेंस आ जाएगा। और अपनी ये रेडी बिल्डिंग्स है, जो कि 3 बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स होने वाला है आज का। ये फर्स्ट बिल्डिंग रेडी टू मूव ओसी रिसीव, सेकेंड बिल्डिंग सोल्ड आउट है पूरी, ओसी रिसीव है, पोजिशन सबको दे दिया ऑलरेडी। और ये अपनी अभी की बिल्डिंग है अंडर कंस्ट्रक्शन, जो 12 फ्लोर की है, पोजिशन इसका 1 ईयर के अंदर मिल जाएगा आपको। इसमें 2 BHK आज मैं फ्लैट आपको दिखाने वाला हूँ। स्टार्टिंग जो है प्राइस वो है 30-50 लाख ऑल इंक्लूसिव। और ये अपना सामने ही क्लब हाउस है, क्लब हाउस के सामने ही अपनी बिल्डिंग है। 3 लिफ्ट 3 स्टेयरकेस आपको इसमें मिल जाएंगे। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि बिल्डिंग में कोई भी ब्लॉक्स वगैरह यूज़ नहीं किया है। आप देख सकते हो जैसे कि ईंट का बांध का मैं पूरा, तो बिल्डिंग पूरी अपनी स्ट्रांग है, मजबूत है काफ़ी। तो चलते अपने 2 BHK फ्लैट की तरफ। और बिल्डिंग के नीचे ही आपको चिल्ड्रंस प्ले एरिया मिल जाएगा बच्चों को खेलने के लिए। लैंडस्केप गार्डन है जहाँ पे आप सीटिंग वगैरह कर सकते हो। और ये अपना क्लब हाउस है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको अभी। और ये रहा अपना क्लब हाउस, क्लब हाउस में आपको जिम मिल रही है। और क्लब हाउस में ही आपको इंडोर गेम सेक्शन एक मिल जाता है, जहाँ पे आपको कैरम मिल जाएगा, चेस मिल जाएगा, कैरम, टेबल टेनिस। और ये ओपन पार्टी लॉन है, जहाँ पे आप बर्थडे वगैरह कुछ भी है तो सेलिब्रेट कर सकते हो। तो मैं हूँ अभी 8th फ्लोर पे, और आप देख सकते हो जैसे पैसेज में भी आपको फायर फाइटिंग सिस्टम मिल रहा है। और ये रहा अपना 2 BHK फ्लैट, 518 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया, लिविंग रूम। लिविंग रूम में राइट हैंड साइड में डाइनिंग के लिए एक स्पेस मिल जाता है। लिविंग रूम देख सकते हो काफ़ी स्पेशियस है, जिसमें आपको एक गैलरी मिल रही है 2 से 3 फुट की, जहाँ पे आप चेयर वगैरह डाल के बैठ सकते हो। ग्रिल भी आपको मिल रही है बिल्डर की तरफ से। लिविंग रूम के बाद आता है अपना किचन, किचन में आपको एल शेप प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। किचन भी देख सकते हो अच्छे खासे साइज़ का है, जहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए एक विंडो दी गई है। ऊपर लॉफ्ट है किचन में, जहाँ पे आप स्टोरेज कर सकते हो, इन्वर्टर पॉइंट दिया गया है यहाँ पे। और ये रहा अपना कॉमन टॉयलेट बाथरूम, ऊपर आपको वाटर टैंक के लिए जगह दी गई है स्टोरेज, जिसमें आपको कॉमन में इंडियन मिल जाएगा, टॉयलेट बेसिन सब ब्रांडेड फिटिंग्स मिल जाएंगी। और ये रहा अपना कॉमन बेडरूम, इसकी भी साइज़ आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी साइज़ है। यहाँ पे भी आपको विंडो मिल जाएगी छोटी सी, जहाँ पे आपको छोटा स्पेस मिल जाएगा यूटिलाइज़ करने के लिए, प्लांट्स वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हो। और ये अपनी रेडी बिल्डिंग्स है जो मैंने आपको नीचे दिखाई थी। और सामने ही अपना गेट है, आप देख सकते हो जैसे कि गेट से आपको एंटर करना है, अपनी बिल्डिंग आ जाएगी। इसमें लोडिंग काफ़ी कम है, इसीलिए स्पेस आपको अच्छा खासा मिल रहा है। 518 स्क्वायर फीट में 2 BHK बनाना बहुत बड़ी बात है। और ये रहा अपना मास्टर बेडरूम, मास्टर बेडरूम भी देख सकते हो काफ़ी स्पेशियस है, जहाँ पे आपको वेस्टर्न टॉयलेट मिल जाएगा, बेसिन विद ब्रांडेड फिटिंग सब मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा स्टोरेज मिल रहा है, स्पेस मिल रहा है, स्टोरेज नहीं, जहाँ पे आप प्लांट्स वगैरह रख सकते हो। ग्रिल तो आपको मिल ही रही है बिल्डर की तरफ से, और वो मेन रोड है जैसे कि आप देख सकते हो जहाँ से मैं एंटर किया था। तो यही था अपना 2 BHK आज का फ्लैट। आइए जल्दी से जल्दी विजिट कीजिए, अच्छा फ्लैट है 2 BHK, ओनली 4 से 5 फ्लैट अवेलेबल है। 2 BHK ऑलरेडी सब सोल्ड आउट है, 1 BHK में आपको चॉइस मिल जाएगा। 2 BHK लिमिटेड है, 4 से 5 फ्लैट है, जल्दी से जल्दी विजिट कीजिए। स्क्रीन पे आपको नंबर आ रहा होगा, जल्दी कॉल कीजिए। अच्छी प्रॉपर्टी है, काफ़ी स्टेशन से ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो इसी के साथ आज की वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।